हेलो फ्रेंड्स, देसी तड़का चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुधा आपके लिए लेकर आई हूँ जो रेसिपी, उसका नाम है ढाबा स्टाइल दाल तड़का। घर में आपने कई बार दाल बनाई होगी, पर वो बात घर की दाल में नहीं होती है जो कि ढाबे में होती है। तो ढाबे की खासियत है उसका यूनिक तड़का, जो कि उसे और दालों से अलग बनाता है। तो अगर आप भी अपने घर में ढाबे जैसा स्वाद चाहते हैं, तो अपने घर में दाल में लगाए ढाबी जैसा तड़का, तो आपकी दाल का स्वाद दुगना हो जाए। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाने का तरीका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली रेसिपी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली रेसिपी, ढाबा स्टाइल दाल तड़का। ढाबे जैसा दाल तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी दाल, जिसे हमने रात भर भिगो कर रखा हुआ था। उसका पानी छान कर अच्छे से धो लीजिए। 1 कटोरी दाल में आपको 4 कटोरी पानी डालना है, और उसमें डालेंगे हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, और कुकर बंद करके 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। देखिए, दाल इस तरह से गल जानी चाहिए अच्छे से। इसको हम थोड़ा सा मैश करेंगे। और अब एक पैन में तेल गरम करेंगे। जब अच्छे से आपका वेजिटेबल ऑयल गरम हो जाए, आप यहाँ घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो उसमें आप डालेंगे चुटकी भर जीरा, 2 खड़ी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते। और जब आपका जीरा हल्का ब्राउन हो जाए, तो उसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग, और आपको आधा चम्मच अदरक और लहसुन बारीक कटी हुई मिक्स करना है यहाँ पे, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अब इन्हें चलाते हुए थोड़ी देर तक भून लीजिए। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं भूनना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिक होने तक भूनना है। और इसमें ऐड करेंगे हम बारीक कटी हुई 1 मीडियम साइज की टमाटर। टमाटर आपको चलाते हुए सॉफ्ट कर लेना है। और अब उसमें हम थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच, और इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इससे टमाटर प्याज में हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए इस तरह से, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गल जाए और दाल में आसानी से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालिए बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दाल का। और अब इसमें अपनी गली हुई दाल को डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। वाह, क्या बढ़िया कलर आया है दाल का, बिल्कुल लग रही है ना तड़के वाली दाल की तरह। वाह, बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है।
तो अब हमारी दाल लगभग तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे दाल वाला तड़का। तो एक छोटा सा पैन गरम कीजिए और उसमें डालिए 2 चम्मच देसी घी और 1 चुटकी जीरा। जब जीरा हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें आपको डालना है 2 खड़ी लाल मिर्च, जब लाल मिर्च का कलर हल्का चेंज हो जाता है तो इसमें ऐड कीजिए बारीक कटी हुई 4-5 लहसुन की कलियां। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है और तुरंत गैस बंद कर देना है। और ये तड़का हम ले जाकर लगाएंगे दाल के ऊपर। वाह, क्या बढ़िया फ्लेवर आ रहा है और इतनी अच्छी इसमें से स्मेल आ रही है, दाल तड़के की बिल्कुल ढाबे जैसी। वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए कितना आसान है दाल तड़का घर पे बनाना। तो अब जब भी आप दाल बनाइए तो दाल का तड़का जरूर लगाइए, वो भी ढाबे स्टाइल में। तो बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ये बताना ना भूलिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।